15 मिनट में गंगाधर जी ने एंट्री नहीं ली तो मजबूरन राधा की सोलो परफॉर्मेंस करा के हमें उसे शो का विनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, हम कुछ। हेलो पुष्पा जी, अपडेट? मैडम सर, हम गंगाधर जी को लेकर आए हैं मगर ये तो बेहोश है और चीता कह रहा था कि अभी और आधा घंटा लगेगा इन्हें होश में आने के लिए। आधा घंटा नहीं है हमारे पास, अगर 15 मिनट में गंगाधर जी यहाँ नहीं पहुँचे तो उन्हें इस कॉम्पिटिशन में से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करिए आप उन्हें यहाँ लेकर आइए जल्दी। हाँ जी मैडम सर, हम कुछ कोशिश करते हैं। जी गंगाधर जी, गंगाधर जी क्या करे इन्हें? तो गड़बड़ हो जाएगी। पर लेकिन इनको चुप रहो तो। गंगाधर जी आप जहाँ कहीं भी हैं आप गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट कीजिए, 15 मिनट में आपकी एंट्री है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी हैं गेट नंबर 1 पर आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। संतू हाँ बोल दो, गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। तब जड़ बुद्धि यहाँ नहीं, गेट नंबर 1 पे जाके बोलो जाओ। और सनी तुम जाओ और करिश्मा मैडम को बातों में व्यस्त रखो। जाओ ठीक है। करिश्मा मैडम। हेलो जी। पुष्पा जी ये रेडी कहाँ, ये तो बेहोश है। मैं जितना बोला है उतना करो ना माता जी। माता जी हाँ तो आंटी जी, जा जल्दी जाओ। और सुनो 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 हाँ, वो मैनेजर को बोलना यहाँ गाड़ी की तरफ देख। ठीक है हाँ जा। मैनेजर सर एक सेकंड आप यहाँ आएंगे? गंगाधर जी एंट्री के लिए रेडी है। कहाँ है? वो देखिए वहाँ पे गाड़ी में। ये गंगाधर जी तो लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? अब फिर से देखिए आप, देखिए देखिए वही है वो। हाँ गंगाधर जी तो हैं, लेकिन ऐसे? वो संगीत की साधना में है तो वो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनको अंदर लेकर आइए, उनकी एंट्री मैं कर देता हूँ। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। टोपा होगा तुम, एक जगह खड़े होकर इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे आप इस एंगल से क्या लग रही हैं पता है, एकदम मस्त झकास एकदम। फाइल करिए ना। हेलो नमस्कार, लखनऊ आइडल के इस फाइनल राउंड में मैं आकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वक्त सभी की धड़कनें थम चुकी हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस साल बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी, राधा के या फिर गंगाधर जी के। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस संगीतमय शाम का और अब से 5 मिनट में हमारे दोनों महान सिंगर स्टेज पर मौजूद होंगे और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले। 5 मिनट? संतू सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट है अभी और कैसे क्या करेंगे आप? जीते मैं क्या बोलता हूँ, हम कट लेते हैं। नहीं पुष्पा जी ने मदद मांगी तो उनको मदद करनी पड़ेगी और उनको हम मदद कर रही है। करिश्मा मैडम को पता चल गया तो करिश्मा मैडम हमारी मदद के लिए 4 आदमी भेजेंगे ही, हम दोनों को चीता पे लिटा देंगे। सही बोल रहे यार बिल्ले, मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ भाग बेटे आप पता है, भाग में जा, मैं खाई में जाता। गंगाधर जी जीते जीते अभी मैं जीते। बिल्लू ये नालायक दोनों तो भाग गए, अब क्या करेंगे? संतू अब लगता है हमें इन्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी मुझे माफ कीजिए, करिश्मा मैडम को पता चलेगा ना आफत आ जाएगी, मैं तो नहीं करूंगी कुछ। अरे गुड़ मगज, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो देखो पीछे सनी है ना, उन्हें बातों में लगाया हुआ है। गंगाधर जी अम्मा उठिए ना अभी उठिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गाने का समय आ गया है। गाने का इनको क्या?
क्या हुआ है? आपसे कहा था ना मैंने, संगीत की साधना में है वो, तो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, आप लेके जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो 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 चलो। इस महामुकाबले में अपनी बेजोड़ गायकी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध गायक गंगाधर आचार्य जी। कुर्सी 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 संतोष कुर्सी। अरे इन्हें इन्हें बिठाना है कुर्सी पे। सॉरी 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 सॉरी। पुष्पा जी, सॉरी सॉरी सॉरी। संतो, गंगाधर जी। हेलो बेटा। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, इनको उठाओ। गंगाधर जी, गंगाधर जी उठिए, आंखें खोलिए। हाँ हाँ, जागे जागे जागे। संतु संतु, पानी पानी पानी। हम ना एक मिनट, पहले पानी। संतु पानी ही। हाँ लो लो लो। ओहो ये लीजिए पानी पानी, पानी 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 पीजिए पानी पीजिए। हाँ देखिए, हम ना अभी लखनऊ आइडल जो चल रहा है ना, उसके स्टेज के पीछे हैं, और अभी स्टेज पर आपका नाम भी पुकारा गया है। पानी पीजिए और स्टेज पर जाइए। हाँ लखनऊ आइडल के स्टेज पे लेके जाओ। जाइए जाइए। कटे जा उधर यार। चल इस महामुकाबले में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आजमाया भी एक अलग अंदाज में जाएगा। इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने एक कैंडल होगी जलती हुई। कहते हैं अगर दिल और सुर से गाया जाए तो कैंडल की लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा होता है और लौ बुझ जाती है तो जिस पार्टिसिपेंट की गायकी के दौरान लौ सबसे ज्यादा देर तक जलेगी वो कहलाएगा इस महामुकाबले का विजेता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रसिद्ध गायक आचार्य गंगाधर जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर गंगाधर जी ने दी और समा बांध दिया सर आपने। गंगाधर जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया। गंगाधर जी की गायकी के दौरान ये मोमबत्ती की लौ 1 मिनट 10 सेकंड तक जलती रही, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी अगली कंटेस्टेंट क्या इस चुनौती को पार कर पाएंगी। चाहूंगा कि हमारे जजेस खुद ही अनाउंस करें कि लखनऊ आइडल इस साल कौन बनने जा रहा है। इस साल के लखनऊ आइडल के विनर है नन अदर देन राधा। जी अपनी राधा। जानता हूं, पहला सुर सुनते ही समझ गया था कौन है। कांग्रेचुलेशन बेटा। All the best, brother. राधा देखो तुमसे मिलने कौन आया है।